नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने आम ग्राहकों के लिए एलपीजी सिलेंडर पर लोगों को बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत ही केंद्र सरकार ने आम ग्राहकों के लिए एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी है। इसका ही लाभ अब केवल उज्ज्वला योजना के फ्री कनेक्शन पाने वाले बिहार के 1 करोड़ से अधिक ग्राहकों को मिलने वाला है, जिसके बाद ही एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलने का इंतजार कर रहे बिहार के 2.1 करोड़ ग्राहकों को झटका लगा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने आम ग्राहकों को मिलने वाले सब्सिडी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिसके बाद ही अब इसका लाभ केवल उज्ज्वला योजना फ्री कनेक्शन पाने वाले राज्य के 1 करोड़ से अधिक ग्राहकों को ही मिलने वाला है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 1 साल में 12 सिलेंडरों के लिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलने वाली है। पटना जिले में उज्ज्वला योजना के 2,65,967 लाभार्थी हैं। इस समय उज्ज्वला और सामान्य ग्राहकों को सब्सिडी के रूप में 79.26 रुपए मिल रहे हैं। को लेकर ही बिहार एलपीजी वितरक संघ के महासचिव डॉक्टर राम नरेश प्रसाद सिन्हा ने बताया कि नए प्रावधान के तहत ही अब उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी मिलने वाली है, लेकिन इसको लेकर अब ग्राहकों का गैस कनेक्शन आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। इसको लेकर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों अपना सकते हैं। इसके अलावा SMS के जरिए भी आधार नंबर को LPG कनेक्शन के साथ लिंक करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए अब सबसे पहले एजेंसी को एक आवेदन देना होगा। सब्सिडी फॉर्म को अपनी गैस कनेक्शन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भरकर एजेंसी ऑफिस में जमा करवा दें। इतना करने के बाद आपका LPG कनेक्शन आधार से लिंक हो जाएगा। अब बात अगर बिहार भर में मौजूद LPG ग्राहकों की करें तो हम आपको बता दें कि बिहार भर में IOC के 91.07 लाख, BPSL के कुल मिलाकर 50.78 लाख, HPCL के 60.12 लाख, कुल 210.06 लाख ग्राहक मौजूद है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो पटना में IOC के 9.03 लाख, BPSL के 4.29 लाख, HPCL के 1.93 लाख, यानी कि कुल 15.25 लाख ग्राहक मौजूद है। वहीं बिहार में मौजूद उज्ज्वला लाभार्थियों की बात करें तो BPCL के 27,23,736, HPCL के 32,57,268 लाभार्थी, वहीं IOCL के 41,70,582 लाभार्थी बिहार में मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते लंबे समय से बिहार समेत देश भर में LPG गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी तो हो ही रही है, लेकिन सब्सिडी नहीं मिल रही है, जिसके कारण ही लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और महंगे दाम में गैस सिलेंडर लेना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर उनके किचन के बजट पर भी देखने को मिल रहा है। और अब तो सरकार की तरफ से सब्सिडी नहीं देने के फैसले के बाद आम नागरिकों को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।